Hey there, welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna share how to reduce hair fall. तो आज जो हम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए वो है हिमालय का एंटी हेयर फॉल क्रीम भृंगराज और आंवला। इसमें हमारे पास क्या है, भृंगराज और आंवला है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये 80 रुपीस का है और 100 ml इसमें प्रोडक्ट है। आपको ये वीक में वन टाइम, अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल है तो टू टाइम्स आपको ये यूज़ करना है। आपको ये नहाने से पहले, मतलब अपने बाल धोने से पहले एक घंटा आपको ये क्रीम अपने पूरे स्कैल्प में, अपने हेयर्स की लेंथ में अप्लाई करना है और एक घंटे तक उसको रहने देना है। उसके बाद इसको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो ये इस प्रकार से है, ये मैंने यूज़ किया है और मैं बता सकती हूँ कि ये सच में वर्क करता है और इससे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि डैंड्रफ के लिए आप क्या करते हैं जिससे आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाए। डैंड्रफ के लिए बहुत सारे शैम्पूज आते हैं मार्केट में, बहुत सारे होम रेमेडीज हैं जो कि बताती हैं कि आपके हेयर फॉल आपकी डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा, पर क्या वो वर्क करता है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। डैंड्रफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपको उसके एक रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। वो बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको खर्च नहीं करना है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ होम रेमेडी नहीं बनानी है, कोई झिकझिक बाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक छोटी सी टिप है जो कि मैं आपको 101% बता सकती हूँ कि आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, ना आपको कहीं पता होगी, क्योंकि ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि कैसे हम अपने डैंड्रफ को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बालों में जो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल के टाइम से था मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ। तो मैंने हर चीज़, हर होम रेमेडी ट्राई की, चाहे वो नींबू हो, कर्ड हो, कुछ भी हो, नारियल का तेल में नींबू मिक्स करके, मतलब बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं और शैम्पूज भी मैंने बहुत ट्राई किए, पर मेरा उनसे डैंड्रफ रिमूव नहीं हुआ, ना कि रिड्यूस भी नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही बढ़ा। तो अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड पे। तो याद रखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मेरी टिप को जानिएगा। और हाँ, उसके बाद अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो इस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो, किसी और प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। तो लेट्स गेट, तो अब मैं ये प्रोडक्ट अपने बालों में लगा लूँगी। आपको उसकी क्वांटिटी लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने थोड़े थोड़े हेयर लेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बता दिया है ना कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, और हफ्ते में मैं एक बार अप्लाई करती हूँ। जिनको ज़्यादा हो वो दो बार अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक बार करना इनफ होगा। तो अपने बालों में आपको ऐसे 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 लगाना है, स्कैल्प में भी लगाना है आपको। ये आपको ना किसी लोकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको कहीं से ढूंढ, मैंने तो लोकल ही लिया है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर कहीं से ढूंढ के आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उसको वहाँ से ईजिली परचेज कर सकें। मेरा भतीजा है, आप मिलना चाहेंगे उनसे? तो हेलो, तो ये है मेरी भाभी का प्यारा बेटा, मेरा भाई का बेटा, भतीजा कहते हैं आई थिंक, और देखो कितना क्यूट है। तो इसका नाम है विनायक, लेकिन मैं इसको प्यार से भटूरा बोलती हूँ क्योंकि मुझे भटूरे जैसा लगता है। पर बेचारा बहुत बीमार था एक दो महीने से, तो बेचारा भटूरे की जगह सूख गया। हेलो करो भटूरे। ओ, क्रीम लग गई भटूरे को, बेचारे की तबीयत बहुत खराब है, आप सब प्रे करना उसकी ठीक हो जाए। हेलो कर दो, हेलो हेलो, चलो बाय, अब आप जाओ। तो मैं इसको अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर दिया है। आपको अपने बालों के पोर्शन लेने हैं और उस पर हल्का हल्का अप्लाई करते हुए जाना है। रूट से अप्लाई कीजिएगा ताकि हर जगह, सॉरी, इग्नोर माई बैकग्राउंड वॉइस। तो आपको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है अपने सारे बालों पे, अपने रूट्स पे, अपने हेयर लेंथ पे,
आपने एंड्स पे हर जगह अप्लाई करना है। और ऐसे ऐसे करके आपको अपने पूरे हेयर लेंथ पे लगा देना है। तो मैंने अपने पूरे बालों पे लगा लिया है। अब मैं इसे टाई अप कर लूँगी और एक घंटे तक वेट करूँगी। उसके बाद मैं नहाने चले जाऊँगी जहाँ पे मैं अपने हेयर वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, आके मिलती हूँ और उसके बाद आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूँगी जो कि है डैंड्रफ से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड। सो मैं अपने हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ, मतलब मैं नहा के आ चुकी हूँ और आई एम फीलिंग वेरी गुड। सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको डैंड्रफ अपना कैसे हटाना है। बहुत सारी होम रेमेडीज़ आपको मिली होंगी, यूट्यूब में सर्च करा होगा, नेट पे सर्च करा होगा, बट कहीं आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको अपना डैंड्रफ हटाना है, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉसेस। सो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ इसलिए आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। आपको पूरे 1 वीक तक अपने बालों को जो है वॉश करना है, हेयर वॉश करना है विद शैम्पू, और शैम्पू करने के बाद जब आपके बाल सूख जाएँ तो उसको आपने ऑयलिंग करनी है, मतलब तेल लगाना है अपने बालों पे। और ये पूरा प्रोसीजर आपको 1 हफ्ते तक करना है, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा, ये मेरा दावा है। और बाकी अगर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो उन सभी के लिए जिनको हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। ओके, बाय।